नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका जो नोटिफिकेशन आप सबको बताया होगा, पहले 25 मार्च को जारी होना था, लेकिन 25 मार्च को आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी ना तो डेट आई ना ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो आखिर क्या वजह है कि आपकी जो SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म और नोटिफिकेशन में देरी होने का क्या कारण है दोस्तों? कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होने की उम्मीद है? सोशल मीडिया से क्या अपडेट आ रही है और SSC की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर क्या अपडेट है SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती को लेकर? सारी अपडेट इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको SSC GD से संबंधित दोस्तों पल पल की अपडेट है वो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा आपके जो 25 मार्च को जो है SSC GD नोटिफिकेशन जारी करने वाला था, इसकी सूचना 1 महीने पहले ही दे दी गई थी न्यूज के माध्यम से, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं किया गया। हालांकि आपके जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको लेकर मैं अलग से चैनल पर वीडियो डाल चुका हूं, तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म पर नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो 2018 की भर्ती के कैंडिडेट हैं दोस्तों, उन जो रह गए थे नियुक्ति में दोस्तों, तो उन्हें 1 साल की छूट दी गई थी। तो उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया वो कराई जाए। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपके ऑनलाइन फॉर्म की, तो दोस्तों आपके ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार दोस्तों 12 अप्रैल के बाद दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। क्योंकि SSC GD दोस्तों आपको पता होगा काफ़ी सारे रिजल्ट अभी रुके हुए हैं, काफ़ी सारी भर्तियों के रिजल्ट हैं उनको जारी हुआ है। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर का जो रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया गया था। इससे पहले CGL का रिजल्ट जारी किया गया था और मल्टीटास्किंग एंटी स्टेप्स एग्जाम को दोस्तों यहाँ पर एग्जाम डेट घोषित की गई थी। तो काफ़ी सारी भर्तियाँ इनको यहाँ पर दोस्तों जो इसी के साथ 2018 की जो भर्ती है दोस्तों उसका भी वेटिंग लिस्ट है वो जारी की गई है, तो उसकी भी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो इस वजह से दोस्तों SSC बिजी था, लेकिन दोस्तों अब 2018 की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है, सभी का रिजल्ट आ चुका है, वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है और फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है। तो अब दोस्तों आपकी जो SSC बोर्ड है दोस्तों, अब आपकी SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती की कराने की दोस्तों पूरी प्रक्रिया वो तैयार हो चुकी है लगभग। अब आप जल्द ही आपको नोटिफिकेशन दोस्तों आपको 12 मार्च के बाद, माफी 12 अप्रैल के बाद दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपकी ऑनलाइन फॉर्म की बात करूँ तो कम से कम मई तक चलने वाले हैं। और परीक्षा को लेकर जो अपडेट आ रही थी दोस्तों, पहले की अगस्त में होगी, अभी हालांकि फिक्स नहीं है, लेकिन अगस्त या सितंबर के मध्य आपकी परीक्षा वो आयोजित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आगे का जो प्रोसेस रहता है वो लिस्ट आती है आपकी प्रोविजनल लिस्ट, फिजिकल के बाद आपकी फाइनल लिस्ट है, फिजिकल कराए जाते हैं दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों, 84,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं और SSC GD के जैसे ही दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तुरंत अपडेट कर दूंगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, SSC GD की कोई भी अपडेट आपसे छूट नहीं पाएगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।